हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के Havok OS 3.9 के ऑफिशियल Android 10 अपडेट के बारे में। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला था कि इसका फुल रिव्यू, बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू आप करो, जैसे कि बाकी रोम्स के अभी कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू यहाँ पे करने वाला हूँ, फुल रिव्यू है। इसमें आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा, हर एक सेटिंग्स के बारे में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाओ। साथ साथ हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो लें, क्योंकि सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और चलिए हम यहाँ पर वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे सेलिनक्स स्टेटस जो है इन्फोर्सिंग हमें मिलता है, और एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 10 हमें देखने को मिल जाता है। वो कोया इसका जो है 3.9 देखने को मिलता है। 5 सितंबर 2020 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। कर्नल आपको एक्सटेंडेड का देखने को मिल जाता है। एंड स्टेटस बार की बात करें तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। एंड टॉगल्स की बात करें तो यहाँ पे टॉगल्स आप देख सकते हो, ये सारे टॉगल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। FPS इन्फो भी मिल जाता है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। थ्री डॉट पे आपको कॉलम सेटिंग्स मिल जाती है, और FPS जो है हमारा यहाँ पे वर्किंग है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है एंड्रॉइड आर वाला देखने को मिलता है, 20 Mbps तक के बिटरेट मिल जाता है। यानी यहाँ पे इंटरनल साउंड जो है रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो लैग भी देखने को आपको मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड वॉल्यूम पैनल जो है कुछ इस तरीके से मिलता है, एक्सटेंड कर सकते हो आप इसको। एंड यहाँ पे लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। पावर मेन्यू में आपको एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है। एंड रीसेंट जो है आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और काफ़ी स्मूथ भी है यहाँ पे, तो रीसेंट आपका काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको जो लॉन्चर देखने को मिलता है इस रोम में, तो है यहाँ पे सैंडी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सैंडी का जो है यहाँ पे लॉन्चर मिलता है। और कॉलिंग की अगर हम बात करें तो वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग भी वर्किंग है, और कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है आपको वनीला वाले मिलेगा। इसके दो बिल्ड आते हैं, वनीला एंड GApps। GApps वाले में आपको GApps इंक्लूडेड मिल जाते हैं, और वनीला वाले में आपको अलग से ओपन GApps फ्लैश करना पड़ता है। एंड यहाँ पे हमारा जो है MIUI का कैमरा डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है, और पोर्ट्रेट मोड भी वर्किंग है। और वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो 1080 60fps एंड 4K 30fps मिल जाती है। और प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड हमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे GCam की बात करें तो TR कैमरा आपका बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है, लेकिन GCam 7.4 और भी बाकी GCam है जो कि यहाँ पर काम नहीं करते हैं, तो TR वाला कैमरा आप यूज़ करना इसमें। एंड यहाँ पे FM मिल जाता है, म्यूजिक प्लेयर के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी परफेक्ट है। एंड यहाँ पे GPay की अगर हम बात करें तो बैंकिंग ऐप जो है आप बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। एंड मूवी क्विक भी वर्किंग है, तो ऑलमोस्ट आपके विदाउट रूट जो है सभी बैंकिंग ऐप बिल्कुल ऐसे तरीके से वर्किंग है, कोई भी दिक्कत देखने को यहाँ पे हमें नहीं मिलती है। सेटिंग्स की बात करें तो हॉटस्पॉट प्लस वाईफाई आपका वर्किंग है। एंड कास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कास्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। एंड बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेंटर की, तो स्टेटस बार के अंदर आपको ये कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, लोगो आप लगा सकते हो, इसका कस्टम लोगो भी है, डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, नेटवर्क स्पीड आपको मिल जाता है यहाँ पे जो कि वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड आइकन स्टाइल मिल जाता है यहाँ पे बैटरी का, एंड बैटरी परसेंटेज आप इनेबल कर सकते हैं, बाकी 4G आइकन आपको दिया गया है यहाँ पे। एंड स्टेटस बार आइकन मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन काउंट हो गया, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं स्टेटस बार में। क्विक सेटिंग्स की बात करें तो क्विक पुल डाउन, स्मार्ट पुल डाउन मिल जाता है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ओपेसिटी मिल जाता है, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है जो कि स्टेटस बार के लिए है। हेडर इमेज मिल जाता है जो कि बिल्कुल ऐसे तरीके से वर्किंग है, और आपको ये कुछ हेडर्स इमेज मिल जाते हैं जो कि आप अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे। एंड बात करते हैं यहाँ पे हमारा टिन टाइल्स, तो ये भी जो है आपका अप्लाई हो जाता है, बस थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद जो है अप्लाई हो जाता है, या इंस्टेंट भी कभी कभार हो जाता है। कॉलम सेटिंग्स नीचे आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे साइड पोजीशन मिल जाता है आपके ब्राइटनेस के लिए। एंड नीचे आपको आइकन के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपके स्टेटस बार पे देखने को मिल जाते हैं, एडिट का आइकन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड कर पाओगे। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप, पॉकेट डिटेक्शन, एरर वाइब्रेशन, ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, स्टेटस बार, क्विक सेटिंग्स, लॉक आइकन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं लॉक स्क्रीन के लिए। अम्बिन डिस्प्ले के अंदर आपको बैटरी लेवल एंड ऑलवेज ऑन मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे तरीके से हमारा वर्किंग है यहाँ पे ऑलवेज ऑन, तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे। एंड ऑलवेज ऑन वन चार्जिंग के लिए भी मिल जाता है, अम्बिन डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे बटन्स एंड नेविगेशन के अंदर, तो आपका नेविगेशन यहाँ पे मिल जाता है और बिल्कुल स्मूथ है, तो नेविगेशन बार में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिल जाती है। थ्री बटन नेविगेशन पे आप क्लिक करोगे तो वापस जेस्चर पे चला जाता है, फिर से टैप करोगे तो ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है, आपको इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो जेस्चर हो या नेविगेशन बटन हो, आप दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट यूज़ कर पाएंगे।
एंड यहाँ पे एरो की मिल जाता है, पावर मेन्यू देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप इनेबल कर पाओगे लॉक स्क्रीन एंड नॉर्मल स्क्रीन पे। एंड नीचे आपको नॉर्मली जो सेटिंग्स मिलती है लॉन्ग प्रेस ये सारे तो मिलने वाली है। एंड बैक करने के बाद जेस्चर पे चलते हैं, जंप टू कैमरा मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, रिंगिंग एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट थ्री फिंगर वाला हमें देखने को मिल जाता है। और नोटिफिकेशन के अंदर चार्जिंग अलर्ट मिल जाता है, नोटिफिकेशन अलर्ट मिल जाता है एंड एज लाइटिंग मिल जाता है जो कि वर्किंग है बिल्कुल ऐसे तरीके से। यहाँ पे फोर्स क्लोज नोटिफिकेशन मिल जाता है, किल ऐप बटन मिल जाता है एंड बैटरी सेविंग के अंदर चलते हैं, स्मार्ट पिक्सल मिल जाता है, सस्पेंड एक्शन मिल जाता है, ब्लॉक सेंसर्स मिल जाता है, स्क्रीन के अंदर यूज फ्रेमवर्क मिल जाता है एंड एनिमेशन के अंदर आपको सारे एनिमेशन जो है यहीं पे आपको मिलने वाले हैं, तो अगर एनिमेशन में आपको कोई सेटिंग्स करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मीडिया के अंदर आपको रिंगटोन फोर्थ मोड मिल जाता है, डेप्टी प्लेबैक मिल जाता है, म्यूजिक विजुलाइजर मिल जाता है, मीडिया आर्टवर्क मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं मीडिया के अंदर। मिसलेनियस के अंदर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, स्क्रीनशॉट टाइप मिल जाता है, चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। बैटरी की बात करें तो बैटरी सेवर, एडिटिव बैटरी, बैटरी स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर की मूवी फुल ब्राइटनेस पर प्ले करने के बाद 61% जो है बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स की तो यहाँ पे हमारा ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है, नाइट लाइट भी हमारा वर्किंग है और इस अपडेट पे भी जो है कुछ चीज़ें फिक्स की गई हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है अभी। एंड डार्क थीम हमारा वर्किंग है, स्टाइल्स आपको ये स्टाइल्स मिल जाते हैं जो कि अप्लाई हो जाते हैं, आप कस्टम भी अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल भी मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई हो रही है, इनमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। फॉन्ट साइज नीचे आपको मिल जाता है, लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपके स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग्स मिलती हैं, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर भी आपको ऑलवेज ऑन मिल जाता है एंड डबल टैप टू बैक जो कि हमारा वर्किंग है। साउंड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे साउंड ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, ये सारे साउंड अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। एंड नीचे आपको MI साउंड एनहांसर मिल जाता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग है। यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट मिल जाता है और पैटर्न साइज भी आपको देखने को मिल जाता है। बात करें फिंगरप्रिंट की तो फिंगरप्रिंट बाकी एंड्रॉइड 10 में जैसे कि काम करता है उस तरीके से है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। फेस अनलॉक की अगर हम बात करें तो फेस अनलॉक भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है एंड स्क्रीन लॉक सेटिंग्स आपको देखने को ये मिल जाती है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है एंड सिस्टम मिल जाता है, सिस्टम के अंदर आपको कोई भी ऐसी चेंजेस फिलहाल नहीं है, सारी चीज़ें जो बाकी रोम्स की तरह ये सेम है। एंड इसका जो बूट एनिमेशन देखने को मिलता है ये पहले ही बूट एनिमेशन काफ़ी टाइम पहले ही चेंज हुआ था लेकिन कंप्लीट है, तो मैं यहाँ पे बूट एनिमेशन भी आपको दिखा दिया। एंटूडो बंजमा स्कोर की बात करें तो 1,45,020 हमें यहाँ पे एंटूडो बंजमा स्कोर मिल जाता है। और पबजी की अगर हम बात करें तो पबजी की सेटिंग में चलते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक जो है हमें यहाँ पे बैलेंस पे हाई मिल जाता है और HD पे भी हाई है और स्मूथ पे भी हाई आपको मिल जाता है। फिलहाल मैं स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाला हूँ और FPS इन्फो इनेबल कर लिया हूँ, तो यहाँ पे बताऊँ तो आपको 30+ ही FPS मिलता है, तो पबजी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी फिलहाल आपको मिल जाती है, इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलता और टच रिस्पॉन्स भी आपको काफ़ी अच्छा जो है मिल जाता है, तो आपको जो है फिलहाल दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आपके गेमिंग में। तो यहाँ पे डेली लाइफ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इस रोम को तो बिल्कुल आराम से आप यूज़ कर पाएंगे, गेमिंग भी अगर आप खेलते हो तो गेम भी आप बिल्कुल ऐसे तरीके से खेल पाओगे। यहाँ पे टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा और जो इसके FPS है आपको 32, 33, 34 इस तरीके से भी आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, तो FPS के मामले में जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, फिलहाल इनमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो आप जो है गेम एंड नॉर्मली यूज के लिए भी आप जो है जैसे डेली लाइफ यूज़ करते हो तो उस तरीके से भी जो है आप बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाओगे। और अगर यहाँ पे कुछ मिस हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आपका जवाब जो है मिल जाएगा। एंड साथ साथ टेलीग्राम पे भी आप आ सकते हो और इंस्टॉल करने के लिए सिंपली वनीला वाले के लिए तो आपको डॉल्विक सेम इंस्टॉल करना है, वनीला एंड GApps भी, बस वनीला वाले में आपको GApps अलग से फ्लश करना पड़ता है। सिंपली रिकवरी पे जाना, डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच पांचों को वाइप करना एंड रोम फ्लश करना, और वनीला वाला है तो रोम फ्लश करना और रोम फ्लश करने के बाद वाइप कैच करके वैक करना और GApps फ्लश करके डायरेक्ट रिबूट कर देना। और अगर आप GApps इंक्लूडेड वाला फ्लश कर रहे हो तो उसमें बस रोम को आपको फ्लश करना है और वाइप कैच करके डायरेक्ट रिबूट कर लेना है और वाइप बिल्कुल सेम करना है दोनों में ही। तो यही सारी चीज़ें थी, अगर आपके अंदर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन भी है फिर भी आपका हम क्लियर कर देंगे, कमेंट में आप पूछ सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता था, वहाँ पर जरूर ज्वाइन ले लें ताकि सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलते रहे। तो ये आपके लिए जो है बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, तो इसलिए मैं फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ अगर कुछ मिस हुआ तो आप कमेंट में पूछ लेना, अपने हिसाब से मैं जो भी मुझे कवर करना था मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ जैसे कि हमेशा कवर करता हूँ। तो बस आज की वीडियो में यही सारी चीज़ थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स।
फॉर वॉचिंग।